तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीखेंगे कि आज बिजी में इमेज कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इमेज लगाने, अगर आपको आइटम पे इमेज लगानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंट्रोल ऐप दबाना पड़ेगा। फीचर ऑप्शन के अंदर इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होता है शो इमेज। अब ये इमेज तो आ नहीं रहा है, वो इमेज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि एक्सेल का 2012 वर्जन है, लेकिन देखिए यहाँ पर आ रहा है मेंटेन इमेज नॉट विद मास्टर। आप इस पर क्लिक कीजिए एंड देन मेंटेन इमेज विद मास्टर। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी फाइल पे जो पिक्चर है वो कहाँ है। तो मैंने बोला सी ड्राइव के अंदर, बिजी विन के अंदर, सी बैकअप के अंदर मेरी सारी पिक्चर है। कहाँ पर है? सी ड्राइव में, बिजी विन के अंदर और बैकअप के अंदर मेरी सारी पिक्चर है। हो गया सेफ। अब देखिए पहले मैं ई ड्राइव पे जाऊंगा, माई कंप्यूटर जाऊंगा, विंडो प्लस ई से क्या होता है मेरे पास माई कंप्यूटर ओपन हो गया था। जैसे मैं सी ड्राइव पे जाऊंगा, बिजी विन के अंदर, सी बैकअप के अंदर, देखिए मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है। मैंने यहाँ से पिक्चर कॉपी करी, इस पिक्चर को कॉपी करा, इस पिक्चर को, इस पिक्चर को, इस पिक्चर को, इस पिक्चर को, अब ये कॉपी होगी। ठीक है, और कॉपी करा और मैंने सी ड्राइव में, सी बैकअप के अंदर जाके मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया और इसका नाम रख दिया मैंने F3 से zip1, इसका नाम रख दिया zip2, जो भी आइटम का नेम होगा zip2, इसका नाम रख दिया मैंने F3 करके, F2 करके zip3। हो गया। अब देखिए जैसे मैं कंट्रोल F2 करके आइटम बनाऊं या फिर मैं मास्टर के अंदर जाके यहाँ से आइटम बनाऊं, मैं जैसे उस आइटम का जो पिक्चर का नाम है वही आइटम नेम यहाँ डालूंगा और एंटर मारूंगा, गलत है, कहीं मिस्टेक है, zip1 था। देखिए आगे इमेज नीचे, अगर आपके हमारे पास तो बीजी का 12 वर्जन है, अगर हमारे पास बीजी का 16 वर्जन है, उससे लेटेस्ट वर्जन होता तो इमेज काफी बड़ी दिखती है। ठीक है, तो आगे समझ में आप लोगों को, ठीक है, कोई इश्यू है? तो आइटम पे इमेज लगानी आगे। अब आती है पार्टी पे इमेज लगानी, तो कैसे लगाएं? उसके लिए आपको पहले पार्टी वाले टॉपिक को अनेबल करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे, फीचर ऑप्शन के अंदर जाएंगे। ठीक है, हाँ, इसकी तो हर पार्टी के फोटो चाहिए, तो उसके लिए अकाउंट्स के अंदर यहाँ आपको मिलेगा मेंटेन इमेज नॉट विद मास्टर, इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, कहाँ ढूंढ, कहाँ देख रही है, ठीक है, हो गया। देन अब देखिए अकाउंट्स के अंदर था, अगर अकाउंट से रिलेटेड डालना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, अकाउंट्स के अंदर, और ये सेम वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना और कुछ नहीं करना। अब देखिए वहां जाके मैंने एक इमेज का नाम चेंज कर दिया, सी ड्राइव, बिजी विन, सी बैकअप, और मैंने नाम रख दिया वतन, यादव। ठीक है, देन आप देखिए मैं कंट्रोल F1 बनाने की शॉर्टकट की होती, नहीं तो मैं मास्टर के अंदर जाके यहाँ से ही बना सकता हूँ। मैं जैसे ही लिखूंगा वतन यादव, ये देखिए इमेज आ गई वतन यादव की। ठीक है, लेकिन अगर मेरी स्पेलिंग में मिस्टेक है, अगर ए हट गया स्पेलिंग में, तो ये रीड नहीं करेगा, बिल्कुल डिट्टो होना चाहिए। वो फिर उससे आ जाएगा, फिर जब आप बनाओगे ना बिल, तो बिल में आपको कोडिंग लिखनी, मतलब कोडिंग क्या वो लिखनी पड़ेगी। जैसे क्या, यहाँ पर जाके हेडर के अंदर, अब आपको कहाँ इमेज चाहिए उस पर जाइए, F4 दबाइए, ओल्ड प्लस F4 दबाइए, ओल्ड प्लस F4 दबाइए, देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा इमेज, इमेज करके एक टॉपिक होगा, पार्टी इमेज में जाइए, यहाँ पर देखिए इमेज हो जाएगा पार्टी। कहाँ था, वहीं था, कहाँ, ठीक है, बस इसको सिलेक्ट करना है।
और फिर इसको सिलेक्ट करो, फिर इसकी लोकेशन देनी पड़ेगी कहाँ फाइल पड़ी है, यही में देनी पड़ेगी। हाँ वो बहुत सारे अलग, इसमें तो ये नहीं है, बस खाली वे बता रहा हूँ यहाँ से हो। ठीक है, अब तो आपने आइटम का लगाना सीख लिया, पार्टी का लगाना सीख लिया, होगी परचेस, दो मिनट, ये परचेज रिटर्न है, बिल्कुल सेम ऐसी होगी परचेज रिटर्न में जाके, ऐसी करते हैं फटाफट। देन उसके बाद क्या करना है आपको, अब आ जाती है वाउचर पे इमेज लगाना। हमने आइटम अकाउंट सीख लिया, आइटम सीख लिया, अब आती है वाउचर। वाउचर की सिंपल है, वाउचर के अंदर जाइए, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा वाउचर इमेज फोल्डर। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को ऐसे एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको ऑन करना पड़ता है। तो इसके लिए ऑन क्या करना पड़ेगा, इसमें जाएंगे, यहाँ पर वाउचर वाले टॉपिक को यस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ जाइए, एक बार अंदर जाइए दोबारा, क्या टॉपिक आ गया, आ गया, यहाँ से फोल्डर की लोकेशन दे दीजिए। हाँ नहीं, कहीं भी हो, बस लोकेशन जो आप फोटो डाले वो लोकेशन, वाउचर नंबर, ये ना वाउचर का जो भी नंबर होगा वो उस पर इमेज आएगी, उससे आइटम नेम से आएगी, इससे वाउचर नंबर से आएगी, मतलब दोनों वाउचर नेम आपस में डिट्टो होने चाहिए। ठीक है, तो आज आपने सीखा कि इमेज कैसे लगाते हैं, इतना समझ में आ गया। देन तो आज की क्लास में हमने सीखा कि किसी भी तरह की इमेज लगानी है तो हम एक्सेल के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। ठीक है,